एमपी न्यूज, मैं हूं निधि आपके साथ। झाबुआ विधानसभा उपचुनाव की तारीख नजदीक आते आते ही बयानों का दौर भी चल पड़ा है। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की आवश्यकता है। अब इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इस वक्त बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोकेंद्र पाराशर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लोकेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ है। लोकेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सिंधिया के इस बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखो, कांग्रेस की हालत ये है कि इसने चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की जनता को वचन दिया था, हम आपका कल्याण करेंगे, और सरकार बनने के बाद कांग्रेस के नेता एक दूसरे को प्रवचन दे रहे हैं। कोई किसी को चोर कह रहा है, कोई किसी को दलाल कह रहा है, कोई किसी को माफिया कह रहा है, और अब हालत ये हो गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव हारने के बाद उनको ध्यान में आ रहा है कि आत्मचिंतन, आत्म अवलोकन की आवश्यकता है। सिंधिया जी शायद चुनाव जीत जाते तो उनको आत्मचिंतन की याद नहीं आती। दरअसल कांग्रेस बिखर रही है, टूट रही है, समापन की ओर बढ़ रही है। जी, वही अगर हम बात करें झाबुआ उपचुनाव की, तो आपको क्या लगता है बीजेपी की ओर से किस तरह की दावेदारी पेश की जा रही है यहाँ पर? झाबुआ में हम लोगों ने साफ स्वच्छ छवि का नेता उतारा है, युवा नेता उतारा है, युवा नेतृत्व को उभारा है, और कांग्रेस ने घिसे पिटे नेता को, जिसने हमेशा झाबुआ को धोखा दिया, अपना घर बनाया, परिवार मार्ग चलाया, झाबुआ में किसी प्रकार के विकास का कोई काम जिनके कारण नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति को चुनाव दिया। परिणाम एकदम स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही। कांग्रेस में किस बात की शपथ दिलाई जाती है मुझे नहीं मालूम। भ्रष्टाचार करने की, खनन करने की, शराब बेचने की, किस बात की शपथ दे रहे लोग कांग्रेस? पता नहीं कांग्रेस में शामिल होने की। नहीं, कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता शामिल नहीं हुआ है, मेरी जानकारी में किसी के शामिल होने की खबर नहीं। जी बिल्कुल लोकेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये था बीजेपी का पक्ष, वहीं जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है। जब बयान कांग्रेस के दिग्गज नेता का है, ऐसे में कांग्रेस की प्रतिक्रिया जानना भी वाजिब है। इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा जी। मिश्रा जी, इस वक्त हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस को आत्मचिंतन की आवश्यकता है, किस तरह के आत्मचिंतन की बात कर रहे हैं सिंधिया? देखिएगा, पॉजिटिव विचार कोई भी लीडर पार्टी या वर्कर पार्टी नेतृत्व को देता है तो मैं सोचता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है। और हर राजनीतिक दल को, राजनीतिक दल को ही नहीं, हर परिवार को भी अपने परिवार के संचालन के लिए आत्मचिंतन करना होता है, वो करते ही हैं। तो उसके राजनीतिक मायने वे लोग खोज रहे हैं जो खुद दुर्दशा के दिन बिता रहे हैं मध्य प्रदेश में। जी, अगर झाबुआ उपचुनाव की हम बात करें तो कांग्रेस की क्या रणनीति है, किस तरह से दावेदारी पेश कर रही है कांग्रेस जीत के लिए? देखिए, चुनाव परिणाम तो जिला निर्वाचन अधिकारी झाबुआ घोषित करेंगे। मैं कांग्रेस की रणनीति हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के बहुत अल्प समय में किए गए जन कल्याणकारी कार्यों के क्रियान्वयन को देखते हुए दृढ़ता से कहना चाहूंगा कि वहां कांग्रेस पार्टी झाबुआ में पूरी तरह जीत रही है और जीत रही है। देखिए, ये हर इलेक्शन में होता है कि कभी कोई कांग्रेस में जाता है, कभी कोई भाजपा में जाता है, मगर कल झाबुआ में जब 100 व्यक्ति जो जवाबदार लोग हैं और प्रभावी लोग हैं, यदि वो कांग्रेस के पक्ष में आए हैं तो निश्चित तौर पर उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई है, और दोनों ही पार्टियां जीत के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रही है। हालांकि झाबुआ विधानसभा उपचुनाव के परिणाम क्या होते हैं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद।